एक गांव में सलमा नाम की बकरी के दो बेटे थे, तन्नू बकरा और मन्नू बकरा। दोनों ही बकरे भाई आपस में किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। उनके अब्बू बकरा उन दोनों भाइयों की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन जब उनके दोनों बेटे तन्नू और मन्नू दोनों बकरे भाई आपस में किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे, तो उन्हें देखकर उनके अब्बू उनकी माँ से कहते हैं, देख रही हो टन्नू मन्नू की माँ दोनों कैसे झगड़ रहे हैं? हाँ देख रही हूँ, दोनों आपस में खेलते कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। मन तो करता है कि अभी दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दूँ। देख लेना, एक दिन ये दोनों हमारा सर शर्म से झुका देंगे। आप तो जब देखो इनके ऊपर गुस्सा करते रहते हो। अब इस उम्र में खेलेंगे नहीं तो क्या हमारी उम्र में खेलेंगे? अभी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है ना। और चढ़ाओ सर पर, कहीं ऐसा ना तुम्हारे लाड प्यार की वजह से तुम्हें भुगतना पड़े। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दोनों भाई कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। तुम देखना, एक दिन इन दोनों भाइयों की मिसाल पूरा गांव देगा। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है, जो मन आए वो करो। ये कहकर टन्नू और मन्नू के अब्बू वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह टन्नू और मन्नू का सारा दिन लड़ते झगड़ते बीतता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। टन्नू और मन्नू बड़े भी होने लगे थे और उनका लड़ना झगड़ना भी बढ़ने लगा था और उनकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी। लेकिन टन्नू और मन्नू अब पहले से भी ज्यादा लड़ने झगड़ने लगे थे, जिस वजह से उनके अब्बू बहुत परेशान रहते। वो अपनी बीवी सलमा से कहते हैं, देख रही हो सलमा अपने लाडलों की करतूतों को, अब तो पूरा गांव भी कहने लगा है औलाद देना तो ढंग की देना, पर टन्नू और मन्नू जैसी औलाद किसी को भी ना देना। ये सुनकर मुझे कितना बुरा लगता होगा। आप भी ना गांव वालों की बातें सुनते ही क्यों हो? देख लेना, एक दिन ये सारे गांव वाले अपने बच्चों को मेरे बेटों की मिसालें देंगे। तुम भी ना जाने किस भ्रम में जी रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों सिर्फ हमारा नाम खराब करेंगे और कुछ नहीं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी दोनों भाइयों का लड़ना झगड़ना बंद ही नहीं होता है। और फिर एक दिन उनकी माँ की मौत हो जाती है और उस दिन भी वो दोनों भाई फिर भी आपस में बुरी तरह झगड़ा कर रहे थे। ये देखकर उनके अब्बू गुस्से में उन दोनों से कहते हैं, या अल्लाह तूने मुझे कैसी औलाद दी है, यहाँ इनकी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा है और ये दोनों भाई पागलों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। या अल्लाह कुछ तो कर इनका। फिर वो अपने दोनों बेटों से कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि यहाँ तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा है, तुम दोनों भाई झगड़ा करने में लगे हो। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम दोनों में ऐसा क्या देखा था जो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहती रहती। बेचारी, मुझे तो तुम्हारी माँ के ऊपर दया आती है। उसे कितना भरोसा था अपने बेटों पर, उसे क्या पता था कि उसकी औलाद कितनी नालायक है। तभी उसका छोटा बेटा टन्नू अपने अब्बू से कहता है, अब्बू पहले इसने शुरू किया था, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब्बू पहले इसने शुरू किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं अब्बू, मैंने झगड़ा नहीं किया, पहले भाईजान ने ही शुरू किया था, मैं तो चुप ही था। नहीं अब्बू, मैंने झगड़ा नहीं किया, पहले तो भाईजान ने ही शुरू किया था, मैं तो चुप ही था। चुप करो तुम दोनों नालायक। फिर टन्नू और मन्नू की हरकतें देखकर उनके अब्बू हार मान लेते हैं और उन भाइयों की शादी करवा कर अपनी जमीन उन दोनों भाइयों में बराबर हिस्से में बांट देते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। शादी के बाद में दोनों भाई खेती करके अपने अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं और दोनों भाई एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। दोनों ही भाई अब्बू को भी एक एक महीने अपने पास रखकर दूसरे से बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करते। एक दिन टन्नू का भाई मन्नू अपने अब्बू को लेने आने वाला था, तो टन्नू अपने अब्बू से कहता है, अब्बू वो मेरे खेत से लौटने से पहले ही आकर आपको ले जाएगा, आप अच्छे से अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। वो कोई नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई मन्नू है। तुम दोनों भाई कभी भी मुझे ले जाने वाला दिन नहीं भूलते और मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो, पर तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। तन्नू अपने अब्बू को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। छोटे भाई मन्नू के जहाँ चार बच्चे थे तो वहीं टन्नू की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनके अब्बू भी मन्नू के घर जाकर खुश होते थे और उसके बच्चों के साथ खेलते थे। उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ में बिताए हुए पल बहुत याद आते थे, पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक दिन जब टन्नू बकरा अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी कुछ बकरों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है।
पास वाले खेत में काम कर रहा मन्नू जब ये देखता है तो वो दौड़ कर आता है और मार कर उन सभी बकरों को भगा देता है। चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? आ जाता है, बताऊँ क्या अभी? ये सब देखकर सभी बकरे वहाँ से भाग जाते हैं। अपने भाई मन्नू को उसे बचाते देखकर वो बड़ा ही खुश होता है, पर उसे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। इसी तरह एक दिन गांव में एक बड़ा ही भयंकर सा तूफान आता है, जिससे सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। ना जाने मेरे बड़े भाई टन्नू के यहाँ कुछ अनाज खाने को बचा भी है या नहीं, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। फिर मन्नू का छोटा भाई अपने बड़े भाई के यहाँ 20-20 बोरी अनाज के चुपके से जाकर रख देता है। उधर टन्नू भी अपने छोटे भाई के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मेरे छोटे भाई के 4 छोटे बच्चे हैं, ना जाने उनका क्या हाल हो रहा होगा, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। और फिर वो भी चुपके से अपने छोटे भाई मन्नू के यहाँ जाकर 20-20 बोरी अनाज के रख देता है। उन्हें ऐसा करते हुए उनके अब्बू देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन जब टन्नू खेत में काम करके लौट रहा नदी के किनारे खेलता देखता है, तभी वो देखता है कि उसके भाई के बेटे का पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गया। अरे ये तो मेरे छोटे भाई का बेटा शेरू है, मुझे जल्दी ही इसे बचाना होगा। और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इतने में ही उसका छोटा भाई मन्नू और अपने बेटे को देखकर रोने लगते हैं। मेरे बच्चे तू ठीक है तू? भाई जान अगर आज आप नहीं होते तो मेरा बच्चा नहीं बच पाता, ना जाने मेरे बच्चे का क्या ही होता। तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो, ये मेरे भी तो बच्चे हैं। फिर सभी गांव वाले कहने लगते हैं। सही में भाई हो तो इनके जैसे, बिना कहे एक दूसरे की तकलीफ समझ लेते हैं, अल्लाह सबके नसीब में टन्नू और मन्नू जैसी औलाद दे। सभी गांव वालों की बातें सुनने के बाद टन्नू और मन्नू के अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, मैं हमेशा तुम दोनों को भला बुरा कहता था, पर जब मैंने तुम दोनों को एक दूसरे की परवाह करते देखा तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। एक तुम्हारी माँ थी जो हमेशा तुम दोनों भाइयों के बारे में यही कहती रहती थी, देख लेना एक दिन हमारे बच्चे मिसाल कायम करेंगे। सच में मेरे बेटों, आज तुम दोनों भाइयों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, अल्लाह करे सबके नसीब में मेरे जैसे बेटे हों। फिर दोनों के अब्बू अपने बेटों को गले से लगा लेते हैं और फिर दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।